नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि रजिस्ट्री का खर्च कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले ये खर्च निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कितने टाइप की रजिस्ट्री सरकार द्वारा की जाती है। तो कुल 6 प्रकार की रजिस्ट्री सरकार के द्वारा की जाती है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एरिया, ठीक है, तीसरे नंबर की अगर बात करें हम लोग तो दो फसला, दो फसला लैंड, एक फसला लैंड, रेसिडेंशियल लैंड, छठवें नंबर की बात करें तो रजिस्ट्री खर्च अगर निकालना सीखते हैं हम लोग, तो अगर बात करें 6 प्रकार की रजिस्ट्री होती है सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कमर्शियल लैंड रोड एंड मार्केट का, ठीक है ना। दूसरा नंबर अगर बात करें तो पहला नंबर की बात करें कमर्शियल लैंड रोड एंड मार्केट, दूसरे नंबर की बात करें अगर हम लोग डेवलपिंग एरिया, तीसरे नंबर की बात करें दो फसला लैंड, चौथे नंबर की अगर बात करें हम लोग एक फसला लैंड, और पांचवें नंबर की बात करें रेसिडेंशियल लैंड या आवासीय लैंड, ठीक है ना, और चौरा या भलुआ लैंड, ठीक है ना। तो अगर इन सब की बात करें तो कम से कम सरकार कितना चार्ज करती है पर डेसिमल, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग बात करें तो कमर्शियल लैंड रोड एंड मार्केट का तकरीबन 75,000 रुपये डेसिमल, ठीक है ना। अब वहीं बात करें अगर हम लोग डेवलपिंग एरिया की, तो मिनिमम कितना चार्ज करती है सरकार, मिनिमम करती है 11,000 रुपये, ठीक है, 11,000 रुपये पर डेसिमल, ठीक है ना। वहीं बात करें दो फसला लैंड की, तो दो फसला लैंड में सरकार कितना चार्ज करती हैं, तकरीबन 7,000 पर डेसिमल। वहीं अगर हम लोग बात करें एक फसला लैंड पे सरकार कितना चार्ज करती है, तो मिनिमम 4,500 प्रति डेसिमल चार्ज करती है। वहीं अगर बात करें रेसिडेंशियल लैंड की, तो लेती है तकरीबन 22,500 पर। चौराहा या भलुआ लैंड के लिए सरकार कितना चार्ज करती है, चार हजार डेसिमल, ठीक है ना। अब हम लोग रजिस्ट्री खर्च किस तरह निकाला जाता है, आइए हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी है, तो मान लीजिए आपने किसी से ज़मीन खरीदी है, तो एक वो कीमत होगी रजिस्ट्री पे आप लिखवाएंगे, और एक वो कीमत होगी जिस पे लोग, मतलब जिससे आप खरीदेंगे उसको देंगे। तो मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ, तो इस पे कौन कौन से, पहले बात करेगा हम लोग कौन कौन से टैक्स लगते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जो फीस की बात करें, तो जैसे मान लीजिए आपने किसी ज़मीन को ख़रीदा, जो रजिस्ट्री पे आपने लिखाया है जो जितनी कीमत, मान लीजिए वो है कितना, वो है
2 लाख रुपए, ठीक है ना। अब इसका कितना लगता है, इसका लगता है जितना भी खर्च है उसका कितना लगेगा, 2%, 2% उसका लगता है। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री फीस कितनी लगती है, जो आपने रजिस्ट्री पे जो कीमत लिखाई है, जितने पे आपने वो ज़मीन खरीदी है उसका 2%। तो इसका 2% जैसे मान लीजिए हम लोग निकाल लेते हैं, तो इस पर क्या करेंगे, 2% के लिए हम 2 का गुणा करेंगे, और परसेंट है तो परसेंट को हटाएंगे तो 100 का भाग कर देंगे, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, बचेगा कितना, ये 2 दूनी 4, तो रजिस्ट्री फीस कितनी आ जाएगी, रजिस्ट्री फीस कितनी आ जाएगी हमारी, 2 दूनी 4,000 रुपये, ये कितना आ जाएगी हमारी, ये स्टाम्प ड्यूटी लगती है। स्टाम्प ड्यूटी क्या, रजिस्ट्रेशन फी का 3 गुना लगता है, ठीक है ना। इसका रजिस्ट्रेशन फीस का 3 गुना, तो रजिस्ट्रेशन फीस कितना निकल के आई है, निकल के आई हमारे पास 4,000। इसका 3 गुना मतलब 3 का गुणा कर देंगे आप यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 और ये 3 0 तो 1,000, तो ये 12,000 रुपये क्या लगेगा हमारा, ये हमारे लगे स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर देखा जाए तो कुछ एक्स्ट्रा खर्च भी लगता है, एक्स्ट्रा खर्च की बात करें, अगर हम लोग एक्स्ट्रा खर्च की बात करें तो जैसे मान लीजिए स्कैनिंग वगैरह कराने के लिए और भी एक्टिविटीज कराने के लिए मोटा मोटी मान लेते हैं हम लोग कि 1,000 रुपये और हमारा खर्च लगा, ठीक है ना। तो हम लोग अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कितना हुआ हमारा, ये 4,000 था, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी थी, रजिस्ट्री फीस कितनी थी, 4,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000 रुपये, ठीक है ना। अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो टोटल खर्चा हमारा आ जाएगा, टोटल हमारा क्या आ जाएगा, रजिस्ट्री खर्च कितना आ जाएगा हमारा, टोटल रजिस्ट्री खर्च तो 12 4 16 1, 17,000 रुपये, 17,000 रुपये हमारा क्या आ गया, रजिस्ट्री खर्च हमारा आ गया। आशा करता हूं कि आपको रजिस्ट्री खर्च निकालना आने लगा होगा, और इतना इतना ही सरकार के द्वारा खर्च लिया जाता है, इसके अलावा आपका कितना और खर्च हो जाता है दलाल वगैरह को देने में और भी अदर एक्टिविटीज़ में, तो वो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और किसी भी जमीन की रजिस्ट्री करा जमीन की रजिस्ट्री कराने में सरकार के द्वारा इतना ही खर्च लिया जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी, आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को और लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे ये जानकारी और लोगों तक साझा हो सके। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।